आज हम बात कर रहे हैं सलार मूवी एंड डंकी मूवी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप जैसे कि एक दिन पहले यानी कि डंकी मूवी रिलीज हो गई थी, उसके दूसरे दिन सलार मूवी रिलीज हुई। वहीं पर दोनों मूवियाँ रिलीज हुई तो दोनों मूवियों का ग्रोथ क्या रहा है, क्या लेवल रहा है इसका, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोग थोड़ा एक्शन मूवी देखना पसंद कर सकते हैं तो कल क्रिसमस का डे है, आप एक्शन देखना पसंद करते हैं यानी मार धाड़ काट पीट, तो आप जरूर सलार देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप डंकी देखना चाहते हैं तो डंकी में आपको एक्शंस एंड मार धार नहीं देखने को मिलेगा। डंकी का मतलब पहले हम समझ लेते हैं, डंकी का मतलब क्या होता है। डंकी का मतलब होता है कि जैसे हम एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं बिना किसी इजाजत के, यानी कि सामने वाले देश की अनुमति नहीं होती है और हम उस देश में एंट्री लेते हैं। देखो जैसे यूएस की अगर बात की जाए तो यूएस में बहुत सारी, यूएस में भेजने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनियां चल रही हैं जो कि अपना चार्ज इतने बड़े लेवल में करती हैं कि एक आम आदमी को देने के लिए उसको घर खेती जमीन बेचने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है। डंकी मूवी एक इसी चीज़ पर बनी हुई, यही चीज़ हमें समझाने के लिए बनी हुई है राजकुमार हिरानी के जरिए। ये डंकी मूवी जो है इस चीज़ के बारे में आज बात हम करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत लोग जाते हैं, जैसे यूएस जाना चाहते हैं वो, तो उनको देखो अधियारे तक छोड़ देता है, बॉर्डर के पहले ही छोड़ दिया जाता है उनको, बॉर्डर खुद चोरी चोरी पास किया करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ बहुत सारे केस आए कि यानी कि कुछ लोग गए भी और जाने का, ऐसे ही एक परिवार था राम कृष्णा और उनका भाई जो बड़ा भाई था वो था हरिराम, यानी इन दोनों का ऐसा, अब दोनों भाई थे वहीं पर सरकारी जॉब ना होने के कारण और ये नॉर्मल कमाई करते थे, रामकृष्णा जो था खुद का ठेला लगाते थे और वो महीने का यानी कि 2 से 4 हज़ार रुपये हायर कर पाते थे। उनके पास एक बेटी और एक बेटा था और उनकी फैमिली थी और उनका जो बड़ा भाई था वो सरकारी बिजनेस में था। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा यानी कि घर का मेंटेनेंस करने के लिए बड़े भाई का हाथ भी बटाते थे, घर का खर्चा ना पूरा होने के कारण वो एक यानी कि जैसे यूएसजीसी डंकी नाम से कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया और बाहर जाने की कोशिश किया। और उन्होंने बाहर चले भी गए, पता चला एक फ्लाइट में, बल्कि वो अकेले नहीं गए, वो और उनकी बीवी उनके दोनों बच्चे भी साथ में लेके गए। लेकिन उसमें कुछ समय के बाद उनको पता चला कि नहीं भाई, पुलिस को जो है उन चारों की लाश पड़ी मिली। इस चीज़ की पुलिस ने छानबीन भी किया तो उनके पास कोई भी सबूत नहीं। ऐसे हमारे देश में कई सारे बहुत ज़्यादा केस हमें देखने को मिल जाते हैं, बेरोजगारी के जरिए लोग यानी इन चीज़ों का शिकार होते हैं। ये चीज़ होती है डंकी, राजकुमार की हिरानी की ये मूवी जो है एक प्रॉपर मुद्दे पर है, यानी कि कुछ हमें समझाने की कोशिश की जाती है इस मूवी में और ये बहुत पीछे एक पॉपुलर। अगर हम इन दोनों मूवी की, अगर डंकी और सलार की बात करते हैं कौन सी मूवी कितना कमाया है और कितना कमा सकती है, उस चीज़ के भी बारे में हम बात करते हैं। तो देखो जैसे सलार मूवी है तो एक्शंस मूवी है, एक्शंस मूवी बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, ये भी चीज़ कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन डंकी मूवी भी पसंद आएगी। लेकिन सलार मूवी देखो बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन अगर हम कमाई की बात करूं तो अभी जो डंकी से ऊपर सलार ही चल रही है। लेकिन कल क्रिसमस है यानी क्रिसमस में लोग काफ़ी ज़्यादा मूवियों को देखना पसंद करेंगे, तो शायद उम्मीद होगी कि जो फैमिली से देखना चाहे वो लोग शायद डंकी को ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन जो ऐसे बैचलर हैं वो लोग जरूर सलार को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि सलार में एक्शन मार धाड़ ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक देखने को मिलता है और बहुत अच्छी मूवी भी है। सलार की जो एक्शंस हैं, जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हैं सलार के हीरो जो है इन्होंने काफ़ी एक से बढ़कर एक मूवियाँ दिया हैं और बहुत अच्छी मूवी है सलार। और डंकी एक रियल मुद्दे पर है, वहीं पर डंकी की जो बात है यानी कि कंपनियां जो होती है अच्छे से अच्छा बिजनेस चार्ज करती हैं, इसके बारे में अच्छे से अच्छा अमाउंट चार्ज करती हैं लोगों को बाहर भेजने के लिए। अगर हम आपको पूरा आंकड़ा बताऊँ तो लगभग साल का अगर बात की जाए तो साल में नहीं ज़्यादा तो 70 से 80 हज़ार लोग इस चीज़ के जरिए एक से देश से दूसरे देश में क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, उसमें से 2-4 हज़ार तो कामयाब होते हैं और बाकी कामयाब नहीं हो पाते, और जो कामयाब नहीं होते हैं वो किसी न किसी कारणवश देश में पकड़े जाते हैं तो उनको एक कानूनी कार्रवाई की जाती है, बहुत ही बड़े मुद्दे में फंस जाते हैं बेचारे।
तो ये देखो बेरोजगारी का जो आलम है ये हमें एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये चीज अपने आप में बहुत बढ़िया। फिलहाल आप डंकी मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरार मूवी के बारे में, हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।